हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रांजलि फिर से और आप देख रहे हैं प्रांजलिज ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो आप हमेशा बोलते हो कि कितना भी हम स्प्रे कर ले, लेकिन कि जो इंसेक्ट्स है वो वापस आ जाते हैं पौधों पे। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए और उनको परमानेंट क्या सोल्यूशन हमें मिलता है, तो मैं वो आज दिखाने जा रही हूँ। हमेशा मिली बग्स या जो भी चीज़ें हैं वापस क्यों आ जाती है, तो उनके ऊपर एक कोटिंग होता है जो बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि इसमें से पानी एब्जॉर्ब ना हो। तो हम कुछ भी सॉल्यूशन उस पर डालते हैं, जैसे नीम ऑयल का स्प्रे हो कुछ भी, तो उनके अंदर जा ही नहीं पाता है वो। इसी वजह से वो बिल्कुल मतलब जड़ से नहीं निकल जाते। तो आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। और ये है, उसके लिए आप यूज़ करना है राइस वाटर। ये बॉटल का कवर नहीं देखिए, ये अंदर जो है मेरा राइस है, ये करीब करीब 10 दिन से भिगोया मैंने पानी में और कवर करके रखा है। तो इसका स्प्रे हमें पहले करना है, इसके बाद ही जो भी हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे शिमला मिर्च के पौधे पे पूरी तरह से ये रोग लग चुका है, तो इसी को मैं आज ट्रीट करने जा रही हूँ। ये बॉटल में मैंने पूरा वो राइस वाटर का लिक्विड भर लिया है। अब पहले हम इसे इसी राइस वाटर से स्प्रे करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। राइस वाटर से क्या होगा, उसकी जो लेयर है वो ब्रोक हो जाएगी और उसके अंदर ये वाला पानी आपका अंदर चला जाएगा, उसे डैमेज कर देगा। उसके बाद आप जो भी सॉल्यूशन यूज करेंगे वो इफेक्टिव रहेगा। जैसे अब मैं ये नीम ऑयल का यूज करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास नीम ऑयल है नहीं, तो मैं आज कोई भी ऑयल इसमें, जस्ट वेजिटेबल ऑयल इसमें 2 बूंदे डालूंगी। जैसे कि आपने देखा, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद मैं यूज करूंगी बेकिंग सोडा। तो आप बेकिंग पाउडर यूज ना करें, याद रखें हमें बेकिंग सोडा यूज करना है। तो ये देखिए कुछ करीब करीब मैंने 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून ऐसा यूज किया है। तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसके बाद हमें यूज करना है इसमें 2 बूंदे हैंड वॉश इस तरह से, और इसे फिर अच्छी तरह से मिला लेना है। बस हमें ये स्प्रे अभी ये पौधे पे करना है, ये देखिए। और बस ये देखिए ऐसे स्प्रे हमें ये पौधे पे अच्छे से नहला देना है पौधे को इस तरह से। सॉल्यूशन हम अपने सारे ही पौधों पे कर सकते हैं, जैसे रोज हो या फिर वेजिटेबल हो, जो भी आपके वेजिटेबल प्लांट हो, सब पे हम यूज कर सकते हैं। मिर्च पर मैंने हमेशा देखा है कि ज़्यादा कीड़ा लग जाता है, तो ऐसे टाइम पे इसे आप हमेशा ही ऐसे सॉल्यूशन से नहला दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कीड़ों से बचने के लिए बहुत ही अच्छा इलाज। इससे आप अगर करेंगे ठीक से, पहले राइस वाटर से जो भी आपका 10-15 डेज का भिगोया हुआ राइस वाटर है उससे, और उसके बाद जो भी आपको, जैसे कभी आपको टर्मरिक का करना है स्प्रे तो भी चलेगा, या फिर नीम ऑयल का, या फिर सादे ऑयल का भी, कोई भी वेजिटेबल ऑयल का, तब भी आपको इफेक्ट अच्छा मिलेगा। तो ये अगर आप करते हैं तो आपके मिली बग्स या फिर बाकी जैसे कि जो भी ब्लैक कलर के इंसेक्ट्स होते हैं वो भी वापस नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टिप मैंने आपको आज बताया है, ये ज़रूर करके देखिए। इसके रिजल्ट मैंने आप खुद देखे हैं, आप भी देखिए, ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीका है। सो अपने इंसेक्ट्स को अपने गार्डन से हमेशा के लिए भगा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।